तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह समाप्त करने वाले हैं। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत तो समाप्त कर नहीं सकी, ये लोग क्या करेंगे। लेकिन मैं सबसे पीड़ा और आश्चर्य है कि कांग्रेस के नेता भी उसी स्वर में बात करते। सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी चुप क्यों हैं? क्यों नहीं जवाब देते हैं कि सनातन का सम्मान करते हैं नहीं करते हैं? सनातन धर्म को तो भारत के मूल संविधान में सम्मान दिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह समाप्त करने वाले हैं। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत तो समाप्त कर नहीं सकी, ये लोग क्या करेंगे। लेकिन मैं सबसे पीड़ा और आश्चर्य है कि कांग्रेस के नेता भी उसी स्वर में बात करते हैं। हमारे खड़गे साहब के पुत्र जो हैं वो सवाल उठाते हैं, और एक गृह मंत्री कर्नाटका के हैं परमेश्वर साहब, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म कहाँ से आया। तो उनसे मेरा सवाल है, परमेश्वर जी आपका नाम परमेश्वर किसने दिया? लेकिन चूंकि आपने सवाल उठाया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप हैं, तो आज मैं कांग्रेसियों के ज्ञान के लिए कुछ बात बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म को संविधान में कितना सम्मान दिया गया है। यह है भारत का मूल संविधान, और कांग्रेस के लोग समझिए कि जब संविधान बना तो एक विचार हुआ कि ऐसे ही उसको प्रस्तुत कर दिया जाए। तब फिर क्या नेहरू जी, क्या राजेंद्र प्रसाद, क्या डॉक्टर अंबेडकर, क्या सरदार पटेल, क्या मौलाना आजाद ने कहा कि हम भारत की परंपरा, संस्कृति, संस्कार को डालेंगे इसमें। ये देखिए, मैं दो तीन, यह है फंडामेंटल राइट, उस पर क्या तस्वीर है, प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। और ये देखिए, डायरेक्टर प्रिंसिपल के ऊपर प्रभु कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। और कांग्रेसियों के लिए ये देखिए, ये नटराज भारत के संविधान में, और एक मैं बाकी में गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सब लोग हैं, लेकिन एक जो रोचक मैं दिखाना चाहता हूं, इसमें हनुमान जी की मूर्ति है। हाँ, इसमें हनुमान जी की भी मूर्ति है। ये देखिए, ये भारत का ओरिजिनल संविधान है, और ये कांग्रेसियों को बताना जरूरी है, वो भूलते हैं और बार बार नेहरू जी का नाम लेते हैं। तो जरा देख लें, ये दस्तखत किसका है, सबसे ऊपर राजेंद्र प्रसाद, उसके नीचे जवाहरलाल नेहरू, और बाकी सभी नेताओं का है। और नेक्स्ट पेज पे जाइए तो सरदार पटेल का है, ये देखिए, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, सबके दस्तखत। तो भैया ऐसा है, कांग्रेस के लोगों तुम अपनी विरासत भूल जाते हो, आजादी के आंदोलन के नेता तो कभी नहीं भूले। और ये चित्र अपने आप नहीं बने, ये चित्र उन्होंने ही दिए जिसको नंदलाल बोस ने रेखांकित किया, और ये पूरे सूची है जहां अकबर तो है, बाबर और औरंगजेब नहीं है। तो सनातन धर्म को तो भारत के मूल संविधान में सम्मान दिया गया। अब ये कांग्रेस के नेता जो बोलते हैं, या खड़गे जी बोलते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चुप क्यों हैं? क्यों नहीं जवाब देते हैं कि सनातन का सम्मान करते हैं नहीं करते हैं? क्यों गृह मंत्री कर्नाटक के इस तरह की बात करते हैं? क्यों उनका पूरा वक्तव्य घोलमोल होता है? सनातन शाश्वत है, और इस सनातन में कोई किसी परिवार में पैदा हुआ, किसी समुदाय में पैदा हुआ। शबरी माँ तो भीलनी राजकुमारी थी, प्रभु राम ने उनके जूठे बैर खाए। वाल्मीकि क्या थे, वेदव्यास क्या थे, उनकी माँ तो
आप जानते हैं कि समाज से आती थी, फिर भी वेद की रचना वाल्मीकि, वेद गुरु रविदास क्या थे, कितना बड़ा काम किया उन्होंने। क्योंकि सनातन कहता है तुम किसी समुदाय में पैदा हुए हो, किसी जात में पैदा हुए हो, तप से संकल्प से तुम देवत्व को प्राप्त कर सकते हो। तो ये सनातन की मोटी समझ, लेकिन मुझे लगा कि अब उस समय हाँ, और एक बड़ा सवाल मुझे कहना है, ये लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं ना, तो इनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूं, जरा संविधान पढ़ लो कि सनातन को संविधान में भी सम्मान मिला है। और अगर ये संविधान आज बनने की बात हो और प्रभु राम और प्रभु कृष्ण और सबकी नटराज की छवि लगाने की बात हो तो कितना हंगामा करेंगे ये लोग। इसलिए इन लोगों को ना भारत की विरासत की समझ है, ना भारत के संस्कृति की समझ है, ना भारत के संस्कार की समझ है, बस सियासत कुर्सी रहे। फिर कहूंगा ऐसे लोगों को, सनातन को तो मुगल और इस्लामिक कट्टरवादी समाप्त कर नहीं सके, ब्रिटिश गुलामी करने वाले समाप्त कर नहीं सके, इन लोगों की क्या बिसात है। बिहार के मुख्यमंत्री भी इस मैटर पर चुप हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं है सनातन वाले। ये भी मेरे सवाल मेरे लिए भी है, नीतीश जी बहुत खामोश हो जाते हैं, आज कुछ परेशान भी दिखते हैं, क्या बात है। लालू का दबाव बहुत पड़ रहा है, कहाँ चले गए संयोजक बनने। तो लालू जी के भी रोचक टिप्पणियां बहुत आती हैं, कई संयोजक हो सकता है। लालू जी का दर्द बहुत सीधा है, बेटे को मुख्यमंत्री कब बनाओगे उप मुख्यमंत्री से। नीतीश बाबू का दर्द है, अगर प्रधानमंत्री की कोई चाहत दिखाई नहीं पड़ रही है तो मुख्यमंत्री का पद क्यों छोड़ूं, इससे तनाव है। लेकिन देश इससे ऊपर हो गया है, बिहार भी ऊपर होगा और हमारी पक्की विजय। कांग्रेस बहुत हमलावर है, आपको शशि थरूर बोलते हैं, यू आर फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ जिन्ना, जयराम रमेश बोलते हैं आप लोग देश को मिसलीड कर रहे हैं। अब छोटी तो मैंने दिखा तो दिया ना इन गुड़ी लोगों को, बड़े बुद्धिजीवी हैं तो देश तो बता तो दिया। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।